दोस्तों एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग खबर यहाँ पर भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए। भारतीय टीम सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों हार कर विश्व कप से बाहर हो गई है। जब विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने तूफानी पारी खेली थी तो उम्मीद जागी थी और लगा था कि इंग्लैंड से हम इस स्कोर को डिफेंड कर सकते हैं, मगर वही पिछले साल T20 विश्व कप वाला काम इस बार भी हुआ। गेंदबाज एक भी विकेट नहीं निकाल पाए और एक बार फिर से ओपनर्स ने मिलकर भारतीय टीम को हरा दिया। लेकिन फाइनल्स के इतने नजदीक पहुंचकर बाहर हो जाना ये काफी ज्यादा दुख देने वाला है। ना भुवनेश्वर कुमार, ना अर्शदीप सिंह, ना मोहम्मद शमी, ना अश्विन, ना हार्दिक पांड्या एक भी गेंदबाज एक भी विकेट को नहीं निकाल पाया। और वहीं एलेक्स हेल्स और जॉस बटलर की तूफानी पारी ने मैच को एक तरफा करके इंग्लैंड को थमा दिया और इसी के साथ T20 विश्व कप 2022 के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई इंग्लैंड। पहली टीम बनी थी पाकिस्तान। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यही उठता है कि क्या युजवेंद्र चहल को ना खिलाना एक बड़ी गलती थी, क्योंकि पिछले साल उनका T20 विश्व कप में चयन भी नहीं किया गया था और इस साल भी उनको खेलने का कुछ खास मौका नहीं दिया गया। इस मैच में भारतीय टीम के लिए अगर कुछ अच्छा रहा तो वो थी हार्दिक पांड्या की पारी। अगर वो भी ना चलते तो भारतीय टीम एक छोटे स्कोर पर सिमट जाती। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग मैच रहा है ये भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए। और अब आपको T20 विश्व कप फाइनल्स के लिए दो टीम मिल चुकी है, एक है पाकिस्तान और दूसरी है इंग्लैंड। अब इनके बीच मुकाबला खेला जाएगा 13 नवंबर को। आपके हिसाब से मुकाबला कौन जीतने वाला है? दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि इंडिया की तरफ से ऐसी क्या गलती हुई है जो वो ना करते तो शायद फाइनल्स तक पहुंच जाते। और ऐसे ही सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।